फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुक्लस कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं सीम आलू और बैगन की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम सीम, 2 आलू और 1 बैगन। सीम का दोनों साइड पहले कट करके निकाल देंगे, फिर सीम को बीच में से कट कर देंगे। आलू को भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। बैगन को भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को कट करके रखा है। इसी के साथ चाहिए 1/2 टेबलस्पून सरसों का बीज, जिसको मैंने क्रश करके रखा है। साथ ही में चाहिए सरसों का ऑयल, सूखी लाल मिर्ची, नमक, भुना मसाला। अगर आपके पास भुना मसाला अवेलेबल नहीं है तो इसको बनाने का रेसिपी ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हल्दी और पानी। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें आलू के पीसेस डाल देंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। दोनों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पैन का ढक्कन लगा के इसको लो फ्लेम में 5 मिनट तक बॉयल होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद पैन का ढक्कन खोलेंगे और उसमें सीम के पीसेस ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर पैन का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में इसको 5 मिनट तक बॉयल होने के लिए रख देंगे। पांच मिनट हो गया है, अभी मैं इसमें बैगन के पीसेस ऐड कर रही हूँ। बैगन को आलू और सीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर पैन का ढक्कन लगा के इसको और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में बॉयल होने के लिए रख दें। 5 मिनट हो गए हैं, सारे सब्जी भी अच्छे से बॉयल हो गए। अब गैस का फ्लेम बंद करके कढ़ाई को साइड में रख दूंगी। इसके बाद मैं एक पैन को बिठा रही हूँ गैस पे गर्म होने के लिए। पैन गर्म होने के बाद उसमें मैं 1/4 कप तेल ऐड करूंगी। तेल गरम हो गया है, अभी मैं इसमें एक सूखी लाल मिर्ची बीच में से तोड़ के डाल रही हूँ और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर इसमें क्रश किए हुए सरसों के बीज ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम में भूनेंगे। एक मिनट के बाद इसमें सारे बॉइल्ड किए हुए सब्जियों को डाल देंगे। इन सब्जियों को 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम में फ्राई करने हैं। सात से आठ मिनट फ्राई होने के बाद इसमें 2 टीस्पून भुना मसाला ऐड करेंगे। भुना मसाला घर पे बनाना बहुत इजी है और ये सीम आलू बैगन की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। मसाले को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक और फ्राई करेंगे। इससे मसाले का कच्चापन चला जाएगा। सब्जी अंदर से अच्छे से पक भी गया है और बाहर से इसमें एक फ्राइंग वाला क्रस्ट भी आया है। लीजिए, सीम आलू बैगन की सब्जी तैयार हो गई। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इस सब्जी को आप चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार है ये स्वादिष्ट डिश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आप मुझे FB और Insta पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।